हमने पिछले टॉपिक में कैथोड रेज के बारे में पढ़ा एंड हमने ये देखा कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। बेसिकली वो रेज नहीं होती, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती है। अब हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसे करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या था। ऑब्वियसली हमें मालूम है कि कोई भी एटम जो है नेचुरल स्टेट में वो न्यूट्रल होता है। हमने ये देख लिया कि इसके अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी जाके नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस होंगे। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो एटम ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज होता। बट हमें मालूम है कि कोई भी एटम नेचुरल स्टेट में वो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब साफ है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने इसकी सेम एक्सपेरिमेंट लिया, हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, हमने कैथोड और एनोड लिया, इसमें से वैक्यूम के थ्रू प्रेशर कम कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया अपने एनोड और कैथोड पे, और हमने देखा कि इसके अंदर कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। बट इसमें हमने एक स्लाइट सा चेंज किया, और वो क्या किया, जो कैथोड था हमारा हमने उसमें एक होल बना दिया। अब जैसे ही हमने होल बनाया और ये कैथोड रेज प्रोड्यूस होना शुरू हुई, तो हमने देखा कि कैथोड की बैक साइड पे जो ग्लास ट्यूब है वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुई। हमारे एनोड पे तो हो ही रही थी और वो हमने पिछले टॉपिक में देख लिया था, वो कैथोड रेज की वजह से थी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे कैथोड की बैक साइड पे भी ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड में से उन होल्स या कैनाल्स में से निकल के पीछे ग्लास ट्यूब पे जाते हैं और हिट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है सबसे पहले ये किया था 1886 में जर्मन फिजिसिस्ट गोल्डस्टीन ने, और उन्होंने इसको कैनाल रेज कहा। कैनाल रेज क्यों कहा, सिंपली क्योंकि ये कैनाल्स में से गुजरे, कैनाल का मतलब ये होल्स में से गुजरे। अब इन ऑब्वियसली बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट यानी नेगेटिव कैथोड, तो इसका मतलब दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। हमें मालूम है कि हमारी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ऑलरेडी हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमारे कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है। अगर इसके रास्ते में कोई गैस पार्टिकल आ गया, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के एटम से जब आके ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो जाएगा, निकल जाएगा, निकलने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयन बन जाएगा यानी एच पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, अगर मैं यहाँ पे दो प्लेट्स कंसीडर करूँ, हमारा एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, हमारा कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जब हम देख रहे हैं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है एनोड की तरफ, तो ये किधर जाएगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव प्लेट का मतलब ये हमारे कैथोड में जाएगा। अब बिकॉज हमने कैथोड में होल्स रखे हैं उनसे गुजर के ये पीछे से गुजर जाएगा और हमारी ग्लास वॉल पे हिट कर रहा था, तो ये हमने यहाँ से अंडरस्टैंड किया, कंक्लूड किया। तो अगर हम इसे लिखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, हम लिखेंगे एम, एम हमारी कोई भी गैस है, इस गैस से ये इलेक्ट्रॉन आके हिट किया और इसका इलेक्ट्रॉन लेके भी निकल गया, तो जो बचा हमारे पास वो एम पॉजिटिव आयन बचा, और ये जो आयन है ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो गया, तो इस वजह से हम इन्हें पॉजिटिव रेज कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्विकली इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव रेज की बात करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं बिल्कुल, और अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स डाल दूं, तो क्या होगा, ये चूंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से ये पॉजिटिव से रिपेल और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें यही बताता है कि ये रेज जो हैं दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और अब अगर मैं इन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारूंगा, हॉर्स शू लेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो ये डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्शन भी हमें ये
दिखाएगी और बताएगी कि ये रेज जो हैं दे आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज. हम देख चुके हैं कि हमारी जो कैथोड रेड है कि कैथोड रेज हैं वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं और ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो ये हमारे कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट लेंगे तो ये उस पर फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि ग्लास की बजाय हम यहाँ पे अगर एक जिंक सल्फाइड की प्लेट रख दें तो ये उसके ऊपर फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी चार्ज टू मास रेशो, यानी E over m वैल्यू. E का मतलब है चार्ज, m का मतलब है मास. अब हम ये स्टडी करते हैं, आपको मालूम है कि बेसिकली ये गैस ही है जो पॉजिटिव रेज की फॉर्म में हमारे कैथोड की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास रेशियो ये डिपेंड करती है इस बात पे कि हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कौन सी यूज की है. कैथोड रेज जो हैं बिकॉज वो हर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं इसलिए वो चेंज नहीं होती, उनकी चार्ज टू मास रेशियो चेंज नहीं होती, गैस पे गैस चेंज करना चाहिए, वो गैस पे डिपेंड नहीं करती. लेकिन पॉजिटिव रेज में तो डेफिनेटली डिपेंड करेंगी क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स ही तो हैं जो पॉजिटिव रेज की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. तो जब हम इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले हाइड्रोजन लेते हैं, जब हम हाइड्रोजन को रखेंगे और आपने देखा पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन निकलने से जो हाइड्रोजन आयन बना वो हमारे कैथोड की तरफ ट्रैवल किया, तो एक इलेक्ट्रॉन हम नॉकआउट करेंगे उसमें से, तो चार्ज हम ले लेते हैं उसके ऊपर 1, मास है उसका 1 ऑलरेडी हमें पता है, तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, 1/1=1, तो ये उसकी चार्ज टू मास रेशियो हो गई. अब हम हीलियम गैस यूज करते हैं, हीलियम गैस के ऊपर भी चार्ज 1 कंसीडर करते हैं, मास अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उनका है 2 हीलियम गैस का. अब जब मैंने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो चार्ज ऊपर रखेंगे 1, नीचे रखेंगे 2, यानी मास 2 है और चार्ज 1 है, आंसर आएगा 0.5. देखें आप, गैस चेंज की तो चार्ज टू मास रेशियो चेंज हो गई. अब मैं नाइट्रोजन लूँ, अगर नाइट्रोजन में से भी, अच्छा आपने ये याद रखना, ये हमने बड़ी सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए ये टेबल ड्रॉ किया है, बहुत सिंप्लीफिकेशन किया है इसमें. तो खैर, नाइट्रोजन में से एक मैं अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, नाइट्रोजन का आप एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो है 14, 1 यानी चार्ज और 14 रखेंगे, आंसर आएगा 0.071, तो चार्ज टू मास रेशियो और कम हो गई. हम इसी तरह ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का भी वैल्यूज लिख लेते हैं और उनकी चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के केस में वो आएगी 0.0625 एंड क्लोरीन के केस में वो आएगी 0.0285. यानी जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली वैसे वैसे चार्ज टू मास रेशियो कम होती जा रही है. तो यहाँ से हम देख के ये कह सकते हैं इजीली कि पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास रेशियो जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की है. एंड E over m वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, हैवियर द गैस स्मॉलर द E over m. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी explanations चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो e-learning प्रोग्राम, खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. धन्यवाद.